हेलो, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा लेसन है माया ड्रीम, जो कि फोर्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट का ये लेसन है। ये जो है एक स्टोरी दिखाई गई है कि किस तरह एक औरत ख्वाब देखती है कि वो अपनी दोस्त या एक दूसरी औरत से बदला लेना चाहती है या उसे वो नीचा दिखाना चाहती है, जो कि मुकम्मल तौर से जेलसी जेलेसी की वजह से है। वो जेलेसी में रिवेंज लेना चाहती है। तो इस लेसन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि स्टूडेंट सीखेंगे कि हमें किसी से जेलस नहीं होना चाहिए, किसी के सक्सेस से, किसी के अच्छे से हमें जेलस नहीं होना चाहिए, और कभी भी हमें जेलेसी में रिवेंज या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स है या फिर ऑब्जेक्टिव्स है। इन ऑब्जेक्टिव्स को जो हमने ध्यान में रखते हुए एनएपी 2020 से दो डोमेन स्पीक किए हैं। पहला है लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट और दूसरा है सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट। क्योंकि इस लेसन में जो बातें होने वाली है वो है वैल्यूज के ऊपर, तो इसीलिए हमने सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट लिया है। इन तमाम आउटकम्स एंड इन डोमेन्स पे काम करने के लिए हमने इस लेसन में अलग अलग एक्टिविटीज दी हैं, जो कि लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटीज हैं, जिससे बच्चे जो चीजें जल्दी सीखते हैं और आसान तरीके से सीखते हैं।